आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ क्या हल्ला बोला? और बंगाल में अभी खेला कैसे बाकी है? राजनीतिक उठापटक से जुड़ी तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप नाइन सियासी चक्रव्यूह में। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत हरीश रावत, देवेंद्र यादव और केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वहीं इस बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात करके पंजाब इकाई से जुड़े मामलों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में मिले उड्डयन मंत्रालय को लेकर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि सिंधिया और एयर इंडिया दोनों ही बिकाऊ हैं। कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं। नंदीग्राम सीट पर हार को लेकर ममता बनर्जी की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने वैध करार दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नंदीग्राम मतदान से जुड़े सभी रिकॉर्ड डिवाइसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि को संरक्षित रखने का निर्देश जारी करते हुए शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भी जारी किया है। बॉडीगार्ड की मौत के मामले की जांच के लिए सीआईडी की टीम बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची। जिस समय सीआईडी की टीम वहां पहुंची, उस वक्त वहां शुभेंदु अधिकारी मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने घर के सामने बने बैरक में छानबीन की। बीजेपी ने पीयूष गोयल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन्हें कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार के बाद आने वाले चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने आज विधान पार्षदों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें विधान परिषद के स्थानीय चुनाव पर रणनीति बनाई गई। यूपी विधान परिषद में अभी एसपी के पास बहुमत है। केंद्र सरकार के थोक महंगाई दर में कमी के दावों को कांग्रेस ने आंकड़ों की बाजीगरी बताया। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी को महंगाई डायन भी अफसरा नजर आने लगी है। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में और 19 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने के बाद अब गोवा में आप पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य के लोगों को साफ सुथरी राजनीति चाहिए। केजरीवाल ने हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी कोर्ट की कार्रवाई पर 18 अगस्त तक स्टे लगाया है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।